दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टू क्राफ्ट का यूज़ करके अपने मोबाइल से ही कार्टून एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो बड़ी आसानी से दो मिनट में आप कोई भी कार्टून एनिमेशन वीडियो बना सकते हो बड़ी आसानी से और ये सब आप कर सकते हो अपने मोबाइल से और जो सॉफ्टवेयर में यूज़ करता हूँ उस टाइप के लेवल का आप बढ़िया तरीके से मोबाइल से ही यूज़ करके कोई भी कार्टून एनिमेशन वीडियो बना सकते हो जानोगे आप इस वीडियो में कि कैसे आपको कार्टून एनिमेशन वीडियो बनाना है तो आपको प्ले स्टोर में चले आना और ट्विन क्राफ्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने सिंपल इंटरफेस इसका ऐसा होगा आप इसको आराम से यूज कर सकते हो बड़ी आसानी से और दोस्तों सबसे पहले ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा दोस्तों आप चाहते हो कोई भी वीडियो को बनाना कार्टून वीडियो तो सिंपल आपको क्या कर देना है इस पर क्लिक कर देना एक बार जब इस पर क्लिक करोगे तो आपका पहले के करेक्टर भी यहाँ पर आ जाएगा कुछ वीडियो अगर आपने बनाई होगी तो है ना तो सिंपल आपको क्या कर देना है यहाँ पर इसको आ जाना एक बार सिंपल आने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा आपको क्या कर लेना है सिंपल यहाँ पर कुछ भी नहीं करना आपको सिंपल यहाँ पर देखोगे तो आपको कैरेक्टर का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ से कैरेक्टर एड कर सकते हो आप चाहो बैकग्राउंड म्यूजिक एड कर सकते हो या फिर आप चाहते हो कि कोई फोटो को एक्सपोर्ट करना यहाँ से कर सकते हो टैक्स डाल सकते हो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हो या फिर साउंड इफेक्ट पर आप दे सकते हो कोई भी बोल के कुछ भी ठीक है तो सिंपल मैं यहाँ पे कैरेक्टर ले लेता ले तो हूँ जैसे कैरेक्टर तो हम ले लेंगे ले यहाँ पे से सबसे पहले हम यहाँ से ले लेते हैं बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड के लिए आपको क्या कर देना है इस पर क्लिक कर देना है यहाँ पे आपको बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे आप चाहो जैसे यहाँ से कोई सा भी बैकग्राउंड ले सकते हो तो सिंपल क्या करना है मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेके आपको बता देता तो। हूँ उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा आपने एक बैकग्राउंड ले लिया है अब आप चाहते हो यहाँ पे कोई कैरेक्टर ले रहे हैं तो कैरेक्टर पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ से आप कोई भी कैरेक्टर ले सकते हो तो मैं यहाँ से एक करेक्टर लेके बताता हूँ आपको ये कैरेक्टर हमने ले लिया है आपने ठीक है अभी एक कैरेक्टर हम यहाँ पर और ले लेते हैं ठीक है इस पर हमने क्लिक किया और ये लड़की पे हमने क्लिक कर दिया तो ये लड़की, तो ये लड़की वाला करेक्टर पे हमने ले लिया है ठीक है यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे कैरेक्टर आपको भी बहुत सारे मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप यहाँ करेक्टर पर क्लिक करोगे तो आपको ढेरों केरेक्टर यहाँ पर मिल जाएंगे आप चाहो जैसा यहाँ पे कैरेक्टर ले सकते हो ठीक है मोदी जी का भी करेक्टर है यहाँ पे तो आप जैसा चाहे यहाँ पे कैरेक्टर ले सकते हो आराम से है ना मैं यहाँ से बेक हो जाता हूँ तो यहाँ से कोई सा भी आप कैरेक्टर ले सकते हो अब आप चाहते हो कैरेक्टर है तो कैरेक्टर पे मैं क्लिक करता हूँ एक बार तो एक कैरेक्टर पे हमने क्लिक किया तो आप इसकी साइज़ को कम ज़्यादा भी कर सकते हो यहाँ से देख सकते हो छोटा बड़ा कर सकते हो इस कैरेक्टर की साइज को और आप चाहो तो यहाँ से इसके जो मुँह का जो इंप्रेशन है कि ये सबसे भी बनवा सकते हो जैसे कि एंग्री बनाना हो या लाफिंग करता हुआ नॉर्मल हो गया स्क्रा हो गया है ना ऐसे करके फोन पर बात करते हुए हो गया सब तरह से आप क्या कर सकते हो ये मोबाइल निकालो और ये बात करने लग गए इस टाइप से आप क्या कर सकते हो इसका कोई सा भी इंप्रेशन आप करवा कर सकते हो आराम से है ना तो अब आप, आप चाहो जैसे यहाँ पर रख सकते हो है ना यहाँ पे कोई भी मूवमेंट आप करा सकते हो इसकी साइज को कम ज़्यादा आप यहाँ पर कर सकते हो ठीक है ये हो गया है इसे कैसे आप क्या कर सकते हो दोस्तों ये लड़की वाले में भी आप आराम से कर सकते हो ठीक है मैं अभी आपको एक तरफ से करके बता रहा हूँ उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जैसे कि आप यहाँ पर टैक्स भी ऐड कर सकते हो और आपको करना क्या होगा दोस्तों आप यहाँ पे इसका जो शरीर है जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे ये लड़की के हिसाब से मैं बताता हूँ आपको ठीक है तो ये इसका जो जो भी मूवमेंट है आप चाहो इसको कैसे भी हिलवा सकते हो इसके शरीर को पूरे को ठीक है आप चाहो तो इसका हाथ को ऊपर नीचे कर सकते हो जब आप इसको ऊपर नीचे करोगे तो आपको क्या कर लेना है जब भी आप इसका हाथ को ऊपर नीचे कर रहे हो तो आपको एट फ्रेम करते चले आना तो ये हाथ भी क्या होगा यहाँ पे एट फ्रेम मतलब दोस्तों आप इसमें कोई भी मूवमेंट करा रहे हो जैसे हाथ हिला रहे हो गर्दन हिला रहे हो है ना तो आपको क्या कर देना है नीचे वाला जो प्लस का आइकन है इस पर एक बार आपको क्लिक करते चले आना है ठीक है आपको इस बात का ध्यान रखना है जो भी आप मूवमेंट कराओगे तो आपको क्या कर देना है एट फ्रेम करते चले आना है जब आपका ये सेव होते चले आएगा ठीक है जो भी स्टेप आप करवाओगे वो सेव होते चले आएगी ये आपको ध्यान रखना है तो ये हो गया आप पाओ हिला सकते हो यहाँ से ठीक है पाओ हिला सकते हो नीचे से जूती हिला सकते हो आराम से है ना और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ से देख सकते हो कमर हिला सकते हो यहाँ पे से बैठना हो गया उठना हो गया फुल डोना हो गया है ना आप आपके हिसाब से जैसे कोई कुर्सी पे बिठाते ऐसा हो गया गर्दन का हो गया आप कुछ भी करा सकते हो यहाँ से ठीक है ये देख सकते हो जैसे अब आपके हिसाब से आप पे सारा मूवमेंट करा सकते हो बॉडी से रिलेटेड ठीक है आप कुछ भी यहाँ पर करा सकते हो आराम से है ना उसके बाद आप ऐसे कैसे लड़के में भी करा सकते हो अभी आपने जो करवाया है उसके बाद आपको उसको एट फ्रेम कर देना है ऐसा करके आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों इसमें वॉइस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करना है आपको सिंपली वॉइस वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है जब आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों अभी इसमें वॉइस नहीं आएगा क्योंकि मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ऐसा करके क्या करना है कि आपको इस पर प्लस के आइकन पर क्लिक करोगे तो आप इसमें क्या कर सकते हो वॉइस दे सकते हो इस पर क्लिक करोगे तो आपकी वॉइस यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी ऐसा करके क्या करना है आप इसमें वॉइस दे, दे देना उसके बाद अगर आप इस तो पर क्लिक करोगे तो इस पर भी ऐसी किसी वॉइस दे सकते हो आप और फिर आपको क्या कर देना फिर प्लस के आइकन पर आपको क्लिक कर देना है ये आपको ध्यान रखना है आप कुछ भी कर रहे हो तो उस पर प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना आप चाहो तो वॉइस देने के बाद आप चाहते हो इसमें साउंड इफेक्ट देना तो नीचे मोर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप साउंड इफेक्ट पे क्लिक करना तो यहाँ पे से क्या कर सकते हो आप साउंड इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो जैसे एड मैंने एड पे क्लिक किया तो ये ऐड हो गया यहाँ पर ये यह एक साथ नहीं रिकॉर्ड होती है तो ऐसा करके कर सकते हो आप है ना कोई भी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो आराम से है ना वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको सुन सकते हो और आप चाहते हो आपकी वॉइस को चेंज करना तो आपको कैरेक्टर पर क्लिक कर देना है ये कैरेक्टर पर क्लिक करने का सेटिंग पर क्लिक करना और ये स्पीच सेटिंग स्पीच सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप आपकी जो वॉइस है उसको कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हो ठीक है यहाँ पे आप देखोगे तो आप इसकी कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हो हेवी पे जाओगे तो ये देख सकते हो यहाँ पे और कार्टून टाइप की, की बनना है तो इधर की साइड चले आना आपको और यहाँ पे इसकी वॉइस को फास्ट और स्लो करने के लिए आपको टेम्पो पर चले आना है ठीक है मैं इसको काट देता हूँ फिलहाल अभियान उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी म्यूजिक को क्या कर सकते हो ऐड कर सकते हो उसके बाद आप चाहते हो कि कोई भी बैकग्राउंड एक्सपोर्ट करना है था 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 आपको यहाँ से कोई अलग बैकग्राउंड रखना है तो आपको सिंपल यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना और यहाँ से आप कोई भी एक्सपोर्ट वाला बैकग्राउंड यहाँ पर से ले सकते हो ठीक है मैं बेक जाता हूं यहाँ से ठीक है तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप कोई भी एक्सपोर्ट कर सकते हो कोई भी बैकग्राउंड उसके बाद आप चाहते हो यहाँ पे एड टेक्स तो यहाँ पे एड टेक्स पर आप क्लिक करोगे तो आप कोई भी टेक्स को एड कर सकते हो भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हो आप ऐड कर सकते हो ठीक है और यहाँ पे आपने देख ही लिया यहाँ पे ये वॉइस को आपको यहाँ पे से एडिट कर लेना है यहाँ पे आपकी वॉइस रिकॉर्ड करना है और उसके बाद आपको दोस्तों कुछ भी आप काम कर रहे हो तो आपको सिंपल याद रखना है आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है जब भी आपका जो मोमेंट है वो सेव होते रहेगा है ना और आप आपकी जो एडिट है आपकी जो वॉइस है उसको एडिट कर सकते हो यहाँ पे प्लस यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करके क्या कर सकते हो आप इसकी जो वॉइस है आपकी उसकी वॉइस को आप कम ज्यादा पे आप कम ज़्यादा भी आप यहाँ पर कर सकते हो ठीक है ये सारी चीज़ आप कर सकते हो या मोर ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हो या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हो साउंड इफेक्ट आपने कुछ बोला है तो उसके बाद जो साउंड इफेक्ट लगता है कि दूसरा जो बोलता मूवमेंट वो यहाँ पे आप डाल सकते हो और आप यहाँ से कोई भी साउंड इफेक्ट ला रहे हो तो आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है ये याद रखना है आप इसमें कोई भी मूवमेंट करा रहे हो तो आपको क्या करना है प्लस के आइकन पर क्लिक करते आना है, तो ये मूवमेंट क्या होगा रिकॉर्ड होते चले आगे कुछ भी कर सकते हो आप दोस्तों पूरा शरीर को हिला सकते हो यहाँ से ठीक है कम ज़्यादा करना है सारी चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो उसके बाद आपका जैसे काम हो जाएगा आप चाहते हो वीडियो को देखना तो आपके यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करोगे तो आपके वीडियो देखने लग जाएगी यहाँ पे आपने जो भी मूवमेंट करा है ठीक है तो ऐसा करके आप उसको बहुत बड़ी बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद आपको क्या करना है सिंपल इसको सेव करना है तो सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको सिंपल क्या कर देना है? एक बार इसको फेसबुक से या फिर गूगल जी मेल से साइन इन कर लेना बस उसके बाद ये आप इसको सेव कर सकते हो आराम से और इसका यूज़ कर सकते हो फिर आप इसको यूज कर सकते हो आराम से तो इस तरह से दोस्तों आप ट्विन क्राफ्ट का यूज कर सकते हो बड़ी आसानी से और ऐसे वीडियो बना सकते हो कार्टून एनिमेशन वीडियो तो दोस्तों ये था इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते अगले नए वीडियो के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग